टू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके आर्ट एंड मस्ती की पाठशाला। हमारे हेयर टिप्स आप लोगों को बहुत 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 पसंद आ रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक्स। आप में से बहुत सारे लोग उन्हें यूज कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। हमेशा कहते हैं जो खुद करते हैं वही आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमने हेयर ऑयल बनाया थिन हेयर के लिए, हेयर फॉल के लिए। उसके बाद हमने डैंड्रफ के लिए काम किया। उसके बाद अब हमारे पास जो क्वेरीज आ रही हैं वो आ रही है कि हम हेयर कलर कर रहे हैं। बहुत यंग एज में हमारे हो गए ग्रे हेयर्स, लेकिन कलर की वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट हो रहे हैं। हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लाइन बहुत हमारी थिक होती जा रही है। दूसरा, स्किन पे फर्क पड़ रहा है, आईज पे फर्क पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो मैं बहुत सारे लोग जो हीना यूज नहीं करना चाहते, उनका रीजन रहता है कि हीना यूज करने से बाल बहुत लाल हो जाते हैं, राइट। हम हीना कुछ इस तरह से बनाएंगे कि आपके बाल लाल नहीं लगेंगे, बहुत सुंदर। और जो लोग सिर्फ कलर के लिए, कंडीशनिंग के लिए, या दो चार बाल व्हाइट हुए हैं खाली और उन्हें हीना के कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए जहां से उनको साथ में चलना है और जहां से जिनके बहुत ग्रे हैं उनको क्या करना है वो मैं आपको बीच में जरूर बताऊंगी। तो अगर आप लोगों को, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको प्रीवियस वीडियोस भी देखने हैं, तो प्लीज एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे जितनी भी स्किन की हैं, हेयर रेमेडीज हैं, वो आपको भी मिलती रहे। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो प्लीज डू शेयर। चलिए तो काम शुरू करते हैं। आज के काम के लिए जो सबसे पहले मुझे चाहिए, ये हल्की सी लोहे की कढ़ाई कहीं भी मिल जाएगी। आप देख रहे हो इसके ऊपर जो जंग आ गया, मैंने उसको साफ नहीं किया। जब भी आप इसको साफ करते हो, हम हमेशा बोलते हैं कभी भी कोई आपका अगर लोहे का बर्तन है, लोहे की कढ़ाई, चकला, कोई भी चीज, उसको मांजने के बाद जरूर पोंछ के रखो, नहीं तो उस पर रस्ट आ जाएगा। इसमें हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। ये जब गीला है इसको ऐसे कैसे रख दीजिए, इसके रस्ट को साफ मत कीजिएगा। ये बहुत काम की चीज है हमारे हेयर पैक में, ओके। तो मैंने लिया लोहे की कढ़ाई, इसको मैं ऑन कर देती हूँ ताकि साथ साथ हम बातें करते जाएंगे। इसके अंदर देखिए, अगर आपके पास साबुत आंवला मिल जाता है, आपको किसी भी अच्छी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा, आप जरूर लीजिए। उसे अलग से पानी में बॉईल कर लीजिएगा। बट अगर आपको नहीं मिल रहा तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये है हमारा आंवला पाउडर, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिएगा, जरूरी नहीं है। उसके बाद मैं आपको आंवला पाउडर जो है वो मैं अगर ले रही हूँ, आपको जो भी लेना है ना वो आप अपने बालों के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। एक, दो, तीन, ये मैंने लिया 3 स्पून। उसके बाद हमेशा फ्लेम को आप सिम पे रखिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाएगा। जब मैंने इसको एक तरफ रख दिया, दूसरी तरफ मैं लूंगी पानी। एक सेकेंड, पानी आप अंदाज से लेंगे। आपको कितने लोगों के लिए या आपके बालों की लेंथ कितनी है उतनी आपको पानी लेना है, ठीक है। आंवला बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने साबुत आंवला लिया है तो आप पानी में उसको बहुत अच्छे से बॉईल करेंगे और उस पानी को फिर इस कढ़ाई में डाल देंगे। साथ साथ मेरा पानी भी वहां उबल रहा है और ये भी रेडी हो रहा है। जैसे जैसे आप पाउडर को जलाना शुरू करते हो ना, आप देखोगे इसके अंदर रोड़ी सी बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसको आप कलछी को इस तरह करोगे तो वो टूट जाती है। हम जब किसी अच्छे पार्लर में जाते हैं ना, वो लोग हमें कहते हैं आप प्लीज हीना मत लगाइएगा, हीना से बाल ड्राई हो जाएंगे, आपके बाल टूटने शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग ये भी पूछ सकते हैं ना कि कलर लगाने के फायदे भी कोई हमें बताए, नहीं है ना। सिर्फ एक ही उसका प्लस पॉइंट रहता है कि बालों में बहुत जल्दी से कलर आ जाता है, आधे घंटे में हमारे ग्रे हेयर ब्लैक हो जाते हैं। लेकिन जब आप कलर स्टार्ट करते हो तो पहली बार में आपको वो कलर 1 महीने में एक बार करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे 15 दिन हो जाते हैं, फिर 1 हफ्ता हो जाता है। कई बार हमें दुख होता है कि हमने 2 बार हेड वॉश किया और हमारा पूरा कलर निकल गया। ये देखिए, ये कलर डार्क ब्राउन होता जा रहा है, धीरे धीरे ये ब्लैक हो जाएगा। मैं वैसे जब भी ये काम करती हूँ मैं एग्जॉस्ट को ऑन करके करती हूँ, लेकिन इस टाइम इसलिए ये कर रही कि उसकी आवाज में शायद मेरी आवाज आपको साफ ना सुनाई दे। अब आप देख रहे हो ये मेरा, अब इसको बंद कर दें। कभी भी आंवला पाउडर को गैस ऑन करके किचन के बाहर मत जाइएगा, क्योंकि वो कभी भी आग पकड़ लेगा। ठीक है, ये नीचे से जलता जा रहा है, डार्क ब्राउन होता जा रहा है। मैं इसे चला रही हूँ। अब साथ में आप देख पा रहे हो मेरा पानी बॉईल हो गया। इसके अंदर मैं ले लूं 1 2 3 चम्मच चाय की पत्ती। जब भी मेरा पानी अच्छे से बॉईल हो जाए, इसे भी थोड़ा सिम करते हैं ताकि चाय की पत्ती का हमारा अच्छे से पानी रेडी हो जाए। तो मेरी बंद है बिल्कुल गैस। बिलीव मी, आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके स्प्लिटेंड्स हैं, आपके बाल बहुत ही बेजान हैं, रूखे हैं। आप देखो मेरी आंखों में पानी आ गया क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं चला सकते, इसका धुआं आ रहा था। तो सारी चीजें आप हीना प्लीज मत छोड़ो। हाँ, अगर आप सिर्फ हीना लगाते हो बालों में ड्राइनेस आने लगती है, बट बिलीव मी उसको 1 या 2 महीने लगातार करो, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ करो। आपको धीरे धीरे मन करेगा, आप उसे छोड़ोगे ही नहीं। ठीक, तो ये मेरा आप देख पा रहे हो डार्क ब्राउन चाय की पत्ती का पानी तैयार हो गया। चाय की पत्ती जब बन रही है, ये है मेरा काला कत्था। ठीक है, कत्था आपको आप ऑनलाइन सर्च करोगे मिल जाएगा, काला कत्था डालना मिल जाएगा। दूसरी बात, जैसे आप लोग जो मेरे को बोल रहे हो कि मैम जो आपका 60 इंग्रेडिएंट्स वाला पैक है वो प्लीज हमें भेज दीजिए, ऑयल भेज दीजिए, 100% भेज देंगे। लेकिन आजकल अभी क्या हो गया, थोड़ा मेड वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत सारे काम है। और ये पैक जब मैं बनवाती हूँ, एक बार में मुझे 100 kg बनवाना पड़ता है, क्योंकि उसमें 60 चीजें हैं। अगर 60 kg बनेगा तो आप सोचो कोई चीज 1 kg है, कोई 5 kg है, उसमें काले कत्थे से लेके बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने नाम भी नहीं सुने। तो वो फिर एक होता है ना, 100 बीमारियों का एक हमारा वो सारा मिल जाता है। फिर उसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ता। पक्का कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी वो बनाऊं, और जब भी बनाऊंगी तो आप लोगों में से जिसको भी चाहिए आप मुझे बोल सकते हो। तो ये रहा मेरा काला कत्था। जब मेरी चाय का पानी बॉयल हो गया है, मैं इसको भी इसी में ऐड कर रही हूँ। ये मेरा बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। ठीक, आप लोग सोच भी नहीं सकते, अभी आप लोग सोचोगे कि हम लोग कर क्या रहे हैं, बट बिलीव मी एक बार किसी पे विश्वास करो। यहाँ जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यही कहा कि मैम आप जो भी कर रहे हो हम आप पे आंख मीच के विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर पूरा फेथ है। ठीक, ये देखो, इसको ना आप फेंका मत करो। एक बार और पानी भिगो दोगे, आपका सेकंड टाइम का भी काफी कुछ उसके अंदर जितना सत है वो आपका निकल आएगा। लोहे की कढ़ाई में अगर आपका ये भीगा हुआ है आंवला मेहंदी, तो वो खराब नहीं होती है। सिर्फ ये है कि रोज उसको एक बार चला दिया करो। ठीक, अब ये आप देख रहे हो, आपको रात के डिनर में जब भी चावल बनाने हैं, सुबह से चावल को भिगो दो। अगर नहीं बना रहे हो तो पर्पसली रात को भिगो के रख दो, उसका सुबह पानी छान लेना। चावल का पानी थोड़ा सा ले रही हूं। ये बॉइल्ड राइस नहीं थे, सिर्फ भीगे हुए राइस थे। ठीक है, थोड़ा सा पानी वो ले लिया। चावल का पानी बालों के लिए वरदान है। जब आप अगर शाम को अपने चावल भिगो रहे हो, आप अगर बॉईल करने से पहले उसको छानना चाहते हो, तो पानी बदलना चाहते हो, वो पानी फेंको मत, अपने बालों में ऐसे ही डाल दो। उसके बाद 1-2 घंटे जब घर का काम कर रहे हो उसके बाद धो लो, बहुत अच्छा रहता है। ठीक, अब ये मेरा पानी बॉयल हो गया, इसको भी मैं बंद कर रही हूँ। और बिलीव मी इसको मैं फेंकने वाली नहीं हूँ। इसके अंदर मैं फिर से पानी रख दूंगी, भीगा रहेगा। कल जब मैं ये पैक लगा लूंगी अपने बालों में, उसके बाद जो ये मेरा पानी है इसके अंदर फिर से मैं अपने हिना को भिगो के रखूंगी। हिना जब लोहे की कढ़ाई में भीगी रहती है उसका कलर अपने आप और डार्क होता जाता है। ठीक है, ये आपने देख लिया कितना डार्क अभी से ही है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाँ, तो इसके अंदर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच कॉफी। कॉफी बालों में बहुत प्यारा कलर देती है। अभी हम ये बना रहे हैं, एक एक करके आपको बहुत तरह के हेयर पैक दिखाने वाली हूँ जिसमें हम चुकंदर से लेके बहुत चीजों से कैसे सुंदर सुंदर कलर बनते हैं वो करेंगे। ये हो गया, आंवला गया, ये सारी चीजें जा चुकी। अब है ये हमारी, मैंने मेथी दाना भिगो के रखा था उसका पानी। अगर आप अपने बालों में सिर्फ और सिर्फ वो लगाओगे मेहंदी तो धीरे धीरे ड्राइनेस आने लगती है, बाल टूटने शुरू हो जाते हैं। तो जो जो चीजें बता रही हूँ थोड़ी सी मेहनत कर लो अपने बालों के लिए। और ये एक बार बना दिया, आप इसको भीगा रहने दो, हफ्ते में 2 से 3 बार भी लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल खराब नहीं होगा। और इसके अंदर जैसे मैंने बताया था आप आंवला सूखा हुआ लोगे साबुत, इसी तरह आप शिकाकाई भी ले सकते हो, उसकी कलियां आती हैं, है ना, जैसे सीड्स होती हैं हमारी वैसी होती है, ड्राई होती है। आप चाहो तो उसको आंवला और शिकाकाई को पानी में बॉईल करो, वो पानी इसमें यूज कर लेना। मेरे पास अभी नहीं थी इसलिए मैं ये पैकेट ले रही हूँ, ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा आपको। तो ये भी शिकाकाई बालों के लिए बहुत 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 अच्छा है, उसकी ग्रोथ के लिए, सब चीजों के लिए। ये भी 2 से 3 चम्मच। ये ऐसी चीजें नहीं है कि अगर आपने ½ स्पून कुछ कम या ज्यादा कर दिया तो आपके बालों को नुकसान होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, ये अपने आप इसके अंदर घुल जाएंगी। ठीक, अब अगर ये ऑयल आपको दिखाई दे रहा है, ये वही ऑयल है जो हमने अपना बनाया था जिसमें एलोवेरा से लेके कलौंजी से लेके सब कुछ था। ये मेरा 1 से 2 चम्मच होगा, ये भी मैं डाल रही हूँ। इसके बाद अगर आप देखो तो ये मेरा एलोवेरा कैसे निकालना है, उसका जेल कैसे है, हमने साबुत उसके लेके लीफ को फिर मैंने ये निकाला। कैसे निकालते हैं वो मेरे पहले वाले वीडियो में आप देख लोगे। अगर आपको नहीं मिलता इसका तो आपको ये रेडीमेड जेल मिल जाता है बाजार में, ऑनलाइन सर्च करोगे एलोवेरा जेल मिल जाएगा। बट जो चीज आपको प्योर मिल सकती है तो उसके लिए क्यों हम बाजार की चीजों पे विश्वास करें। तो अगर आप खुद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आप ये अपने आप इसके अंदर थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा। जब मेरी इतनी सारी तैयारी हो चुकी, अब आएगा हमारा मेन चीज, वो है हमारी हिना। हिना अब वो पहले वाले जमाने में उसके होते थे पौधे, उसको हम पत्तियों को तोड़ते थे, पीसते थे, सुखाते थे, उतना अब सब कुछ नहीं है। आप कोई भी अच्छी ब्रांड जिसके ऊपर आपको विश्वास हो आप ले सकते हो। तब हिना मैं ले रही हूँ, हिना कितनी लेनी है वो आप अपने बालों के अकॉर्डिंग लोगे। ठीक है, कितनी लेंथ है, कितने बाल है। फिर बार बार बोल रही हूँ, अगर आपका ज्यादा बना है हफ्ते में 2 से 3 बार आप यूज कर सकते हो, कोई भी खराब होने वाली चीज इसमें नहीं है। मैं अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, 4 चम्मच ले रही हूँ। कोई भी इसमें बालों को खराब करने की चीज नहीं है, ना ये कढ़ाई में रहेगा तो खराब होगा। हाँ, आपकी इतनी मेहनत जरूर है कि आप इसको रोज एक बार चलाओगे। ये देखो, जब मैं सुबह इसको आपको रंग दिखाऊंगी इसका तो काला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कढ़ाई में काला रंग है तो फिर आपका बाल भी एकदम काले हो जाने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। टाइम लगता है, मैंने कहा जैसे कि अगर आपकी डाई है वो एक ही बार में आपको रिजल्ट देगी लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी साथ साथ आने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको धीरे धीरे, लेकिन बिलीव मी, एक बार जब आपको अपने हिना वाले बालों से प्यार होता है ना तो आप उसको एकदम ऐसे जैसे कि आपको खुद उसकी तलब मारने लगती है कि बहुत दिन हो गए चलो लगाते हैं। धीरे धीरे होगा, असर होगा। हाँ, जैसे एकदम मेहंदी के लाल रंग आते हैं वो नहीं आएगा। सो डोंट वरी, इसमें जितनी अच्छी चीजें थी हमने आप में, इसमें हमारा मेथी दाना है, इसमें हमारा एलोवेरा है, इसमें हमारा ऑयल है, तो आपके बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने वाले। सो डोंट वरी। ये अब मेरा जैसे जैसे ये भीगता जाएगा, सोख होता जाएगा, तब ये बिल्कुल सुबह तक, अभी मैं एक बार इसको 1-2 घंटे के बाद और मिक्स करूंगी ताकि बड़ा स्मूथ सा पेस्ट आ जाएगा। देख रहे हो अभी इसमें थोड़े से लम्ब दिखाई दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें एलोवेरा है, मैंने उसे ग्राइंड नहीं किया। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज ग्राइंड कर लेना, तो ये जितने लम्ब दिखाई दे रहे हैं वो नहीं आएंगे। एलोवेरा भी थोड़ी देर बाद इसमें मेल्ट हो जाएगा, तब ये लम्ब खत्म हो जाएंगे। मेरे को एक बार इसे चलाना है। दूसरी चीज, जब आपका ये रेडी हो जाए तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, या तो किसी भी प्लेट के साथ और या किसी भी फॉइल के साथ आप इसको बंद करके रखोगे। इसको खुला नहीं रखना, ये जितना बंद रहेगा उतना अच्छा, इसके अंदर इसी की चीज अपने अंदर ही आती रहेगी। ये बिल्कुल, अगर आप एयर टाइट बंद करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर कोई पॉलीथिन या कुछ चढ़ा सकते हो, नहीं तो ऐसे प्लेट से ढक देना। कल सुबह इसको खोल के दिखाऊंगी इसका कलर कैसा आ रहा है और आपको इसके साथ और क्या करना है। ठीक, तो फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सारे इंग्रेडिएंट्स आराम से नोट कीजिएगा और मानसी इसमें सारी चीजें आपको लिख देगी नीचे भी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज प्लीज डू शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखिएगा और प्रॉब्लम के साथ साथ अगर हमारी चीजों से आपको फायदा हो रहा है तो प्लीज वहां कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे को बहुत बहुत वो करते हैं कि हम जल्दी जल्दी आए, इस चीज से फायदा हुआ तो और भी जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।